तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस मैच का सब अपडेट्स एनालिसिस टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज जो कि खत्म हो गया। इसके बाद अब सुपर 8 का राउंड स्टार्ट हो गया जिसमें 4 टीम्स के 2 ग्रुप है। अभी 9 टीमों में ट्रॉफी की असली जंग देखने को मिलेगी। तो आइए बात करते हैं मैच नंबर 44 जिसमें सुपर 8 के ग्रुप ए की 2 टीमें जो कि बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। यह मैच 21 जून 2024 को BVI रिचर्ड स्टेडियम एंटीगुआ में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनके वेदर रिपोर्ट देख लेते हैं जहाँ पे मैच के दिन में मौसम में नमी रहेगी, बादल भी छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावना, ह्यूमिडिटी 80% रहेगा और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके पिच एनालिसिस करते हैं जहाँ पे सर बीमेन रिचर्ड स्टेडियम के पिच आमतौर पर बल्लर और गेंद के बीच अच्छा बैलेंस देते, पिच टफ होने के लिए जानी जाती है। इस पिच पर घास की अच्छी परत भी होती है जो फास्ट बॉलर को मदद कर सकती है, खासकर शुरुआती ओवरों में। पिच में आमतौर पर लगातार उछाल भी रहता है जिसका फायदा फास्ट बॉलर स्पिनर दोनों को मिल सकता है। अब अगर बात करते हैं चलते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देख लेते हैं जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 71% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 29% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं चलते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं जहाँ फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 116 है, वहीं पे सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 109 है। तो आगे बात करते हैं चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड भी देख लेते हैं लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 6 मैच जीत के आ रही है, वहीं पे बांग्लादेश 4 मैच जीत के आ रही है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं चलते हैं इसी के साथ पहली टीम यानी ऑस्ट्रेलिया का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया चैंपियन जैसे खेल के आ रही है, वर्ल्ड कप आते ही टीम में गजब का एनर्जी भी देखने को मिलता है। टीम ग्रुप 1 में जहाँ पे भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है, टीम ग्रुप स्टेज में 4 मैच जीत के आ रही है। ओपनिंग में बात करेंगे जो कि ट्रेविस हेड, वार्नर टीम को जबरदस्त स्टार्ट भी दे रहे हैं। हेड ने लास्ट गेम में 68 रन बनाए थे। नंबर 3 पे बात करेंगे जो कि कप्तान मिचेल मार्श है, अब तक फ्लॉप दिख रहे हैं। वहीं पे मिडिल ऑर्डर में ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिस जो टीम के एक्स फैक्टर है, लास्ट गेम में स्टोनिस ने मैच को जिताया था। फिनिशिंग में आपको मैथ्यू वेड है, टीम डेविन ने बड़ा इंपैक्ट डाला है। टीम 4 रेगुलर बॉलर के साथ आ रही है। फास्ट बॉलिंग में आपको कमिंग्स एंड हेजलवुड टीम के फ्रंट लाइन बॉलर्स है, वहीं पर स्टार्क के जगह नाथन एलियस को मौका मिल जाता है, लेकिन बिग मैच को देखते हुए स्टार्स को फिर से टीम में आ सकते हैं। एडम जंपा टीम के मेन स्पिनर होंगे, उन्होंने अब तक टूर्नामेंट में 9 विकेट लिए। वहीं पर मार्कस स्टोनिस टीम के 5वें बॉलर होंगे। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11 देख लेते हैं जो कि डेविड वार्नर है, ट्रेविस हेड है, मिचेल मार्श है, ग्लेन मैक्सवेल है, मार्कस स्टोनिस है, टीम डेविड है, मैथ्यू वेड है, मिचेल स्टार्क है, पैट कमिंग्स है, एडम जंपा, जॉस हेजलवुड है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि पैट कमिंग्स है, मिचेल मार्श है, ट्रेविस हेड है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी बांग्लादेश का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे जहाँ पे बांग्लादेश जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा कि टीम सुपर 8 में क्वालिफाई करेगी, लेकिन टीम ने सबको सरप्राइज करते हुए क्वालिफाई किया। ग्रुप स्टेज में 4 में से 3 मैच जीते हैं। वहीं ओपनिंग में बात करें जो कि तंजीद हसन और लिटन दास ने स्टार्ट किया। नंबर 3 पर कप्तान सांतनो खेल रहे हैं। वहीं पर मिडिल ऑर्डर में साकिब अल हसन और तौहीद हिडोरी खेल रहे हैं। बांग्लादेश की बैटिंग में डेप्थ की कमी है, यह जाकिर अली और मोहम्मदुल्ला पर डिपेंड होगी। बॉलिंग में टीम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था, वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे छोटा टारगेट यानी 106 रन डिफेंड किया था, जहां पे मुस्तफिजुर रहमान और इसाद हुसैन पर टीम डिपेंड है। मुस्तफिजुर रहमान जो कि लास्ट गेम में 3 विकेट लिए थे, जहां पे तंजीम हसन 9 विकेट लेकर टीम के टॉप विकेट टेकर भी है। वहीं पर तस्कीन अहमद ने भी अच्छी बॉलिंग कर 19 रन देकर 1 विकेट चटकाए थे, जहां पे साकिब अल हसन इस पिच पे स्पिन से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश का प्लेइंग 11 देखते हैं जो कि तंजीद हसन है, लिटन दास है, नजमुल हुसैन सांतो है, साकिब अल हसन है, तौहीद हिदरोई है, ममदुल्ला है, जैकर अली है, रिसाद हुसैन है, मुस्तफिजुर रहमान है, तंजीम हसन, साकिब है, तकसीन अहमद है। वही अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जो कि लिटन दास है, नजमुल हुसैन सांतनो है, साकिब अल हसन है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते चलते हैं प्रेडिक्शन एंड कंक्लूजन देखते हैं। तो इस मैच में सबकी फेवरेट ऑस्ट्रेलिया है, हालांकि बांग्लादेश ने टूर्नामेंट में अब तक जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। बांग्लादेश अगर उलट फेर कर सकती है तो ग्रुप ओपन हो जाएगा। अगर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों टीम की स्क्वाड स्कैन को देखते हुए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हमारे अकॉर्डिंग विनर होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।